नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव निवासी रवि कुमार को पुलिस ने शनिवार की सुबह हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ नूरुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रवि कुमार अपराध करने के लिए निकला है। इस सूचना के आधार पर मानपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रवि कुमार ने बताया कि वह एक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस रवि कुमार से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नालंदा के मानपुर थाना अंतर्गत विष्णुपुर गांव के रहने वाले रवि कुमार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिल रही थी। गुप्त सूचना और अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने शनिवार की सुबह रवि कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए। जब्त हथियार और कारतूस को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने एक लूट की घटना की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वह आज भी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। दो तीन दिनों से मानपुर के रवि कुमार के बारे में यह सूचना मिल रही थी कि यह अपराध करने के फिराक में है, तो उस आज सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली कि अपराध करने के लिए निकला हुआ है। मानपुर थाना के द्वारा तुरंत उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा, उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल और दो गोली बरामद हुआ है। यह जो है पहले भी लूट का घटना कर चुका है और आज भी यह लूट के लिए निकला था। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, किसके साथ और किसको लूटा जाना था, गहन पूछताछ की जा रही है। आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये मानपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है।